వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణోరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణ వందే జగద్గురుం. ప్రయోక్తోయం, कुछ लोग जो होते हैं, जो संत लोग हैं, वो तो अनिच्छा होते हुए भी सत्कर्म करते हैं. ऐसा भी है, वो प्रसिद्ध कहानी है कि एक साधु स्नान कर रहा था तो एक बिच्छू बह रहा था पानी में, तो उसको उठा के उसने बाहर निकाल दिया, बिच्छू ने डंक मार दिया, फिर पानी में जाने लगा, फिर उठा दिया. तो किसी ने कहा, अरे ये बिच्छू का स्वभाव है, वो तो डंक मारेगा, आप उसको छोड़ो, ये मेरा भी स्वभाव है बचाने का, मैं क्या करूं, मैं भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता. तो भगवान वैसे यहाँ पर काम और क्रोध की बात करेंगे, और काम और क्रोध की जड़ें जो है बहुत गहरी है ये बात, और हमारी गहरे जब तक वो गहरी जड़ें नहीं निकालेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी जो आज 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 बताने वाले हैं, ये जड़ों को कैसे निकाल. एक कोई नॉवेल है, क्राइम एंड पनिशमेंट या इस तरह का कोई है, उसमें इस प्रकार की कहानी है कि एक बूढ़ी, दिखता नहीं, बिल्कुल बूढ़ी होगी, कंजूस, वो लोगों को पैसे देती है और उसके बाद उसमें से वो सूद कर लेती है. लोगों के पास कुछ भी नहीं हो तो कपड़े उतरवा लेती है, बड़ी ही जल्लाद. और एक लड़का उसके मकान के सामने दूर दूसरे से देखकर रोज देखता है, लगता है कि इसको तो मार डालना चाहिए, ये मार डाले तो बेचारे इतने लोग दूसरे लोग बच जाएंगे. वो कहता है कि मेरे को क्या लेना देना है, चलो जो होता होगा. एक दिन इसको भी पैसे की जरूरत पड़ी तो वो अपने घड़ी ले गया उसके पास में, इसको रख ले तू और उसके बदले मेरे को पैसे दे. वो घड़ी ऐसे देख रही थी बिजली, उसने अचानक इसको क्या आया, उसने उसको गला दबा के उसको मारा. तो वो एक दिन में तो नहीं हुआ, वो बार बार चिंतन, उसके हत्या का चिंतन करता रहा था. उसी प्रकार से हमारी भी समस्या ये है कि हमारे काम की, वासना की, इच्छा की, तृष्णा की जड़ें जो है बहुत गहरी हैं, और सब समय उसका हम चिंतन करते रहते हैं. भगवान इसीलिए कहते हैं, इंद्रियानि मनोबुद्धि तस्या अधिष्ठान मुच्यते. इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये तीन उसके अधिष्ठान है, दे आर दी सबस्टेटम, दे आर दी बेसिस. केवल इंद्रिय पर हो गए जैसा मैंने कहा तो वो क्षण भर में होगा, चला जाएगा. लेकिन मन में हमने काम को, इच्छा को, वासना को जगह दे दी है, यानी हम उसी के बारे में जो सोचते रहते हैं, और बुद्धि में हमने मान कर चला है काम की, इच्छा की, वासना को हमको पूर्ण करना चाहिए. हमारे घर में एक टीवी होना चाहिए, हम दूसरा टीवी होना चाहिए, इसके साथ में एक वीसीआर होना चाहिए, हमारे पास इतनी सब चीजें होनी चाहिए, हमने मान कर चल लिया है. तृष्णा को हम अच्छा मानते हैं, उसको पोषण करते हैं, तो ये कैसे जाएगा, ये दूर नहीं होगा, और इसीलिए इससे प्रेरित होकर आदमी पाप करता है. अब भगवान आगे कहते हैं, तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण आदो निरम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजही एनम ज्ञान विज्ञान नाशनम. ये अपन ने कर लिया था. इसलिए तुम सबसे पहले इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों में आउटपुट मत आने दो. इंद्रियों से आउटपुट जब नई चीज का नहीं आएगा, नई कार का नहीं आएगा, नई वॉशिंग मशीन का आउटपुट अगर नहीं आएगा तो मन में इच्छा नहीं उत्पन्न होगी. पहले इच्छा अंदर की, बाहर की इनपुट से आती है, और दूसरा उसके अंदर जो बैठा हुआ है उससे भी उत्पन्न होगी, हम अभी देखेंगे. और इसकी व्याख्या करते हुए दूसरे लोग कहते हैं कि इंद्रियानादों का मतलब है इंद्रियों के साथ में, और भी इंद्रियों के साथ में मन का भी कंट्रोल करो और बुद्धि का भी कंट्रोल करो. मन में उसका चिंतन मत करो, दोनों करो. ध्यायतो विश्वान पुंसा संगस्तेषु उपजायते. उसका चिंतन करने से उससे संग, वासक, आसक्ति और कामना उत्पन्न होती है, तो उसका ध्यान भी छोड़ो. और बाहर से इनपुट यानी अंदर विषयों से का भोग करना त्याग कर दो. और तीसरी बात भी कहेंगे कि वो बुद्धि के को भी हमको कंट्रोल करना पड़ेगा. बार बार विचार करके, जैसे हमने कल ऑलरेडी बात कर ली, इतनी आप लोग बार 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 प्रवचन अटेंड करते हैं, उससे का प्रभाव क्या होता है, ये बुद्धि, आपकी बुद्धि के ऊपर ये बात बैठ जाती है कि जगत अनित्य है, भगवान का दर्शन जीवन का उद्देश्य है, यह शरीर
नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है, इसका साक्षात्कार करना चाहिए, यह जीवन में श्रेष्ठ है, ये बात बुद्धि में एक बार बैठ जाए। और कुछ लोगों में भी, अगर हजारों लोगों में से कुछ दो चार के मन में भी अगर यह बात बैठ जाए तो हम समझेंगे कि हमारा उद्देश्य सार्थक हुआ, और हमारा भी सच पूछा जाए, बात करते करते हमारे मन में भी यह बात अच्छी बैठ जाए। तो कभी भी नेवर जस्टिफाई अवरसेल्स, अगर कोई बुरा काम होवे, अगर कोई पाप हमसे हो जावे, खराब चिंतन हो, तो कभी उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं ये तो क्या करें, ये तो संभव ही था, इसके बिना कोई उपाय नहीं था, इत्यादि इत्यादि। नेवर जस्टिफाई, और जस्टिफिकेशन करने पर वो बुद्धि में जाकर बैठ जाता। जस्टिफिकेशन नहीं किया, क्या करें, हो गया, बात से हो गए थे, अब क्या करें, लेकिन हम नहीं चाहते थे, ठीक है कोई बात, उसको स्वीकार कर लिया, हमारा दोष को स्वीकार कर लिया, गलती को स्वीकार कर लिया, तब वो धीरे धीरे उसकी जड़ें मन से दूर हो जाती। अब दो आगे वाले श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, इंद्रियाणि आदो नियम्य कामम शत्रुम जहि इति उक्तम, तत्र किम आश्रय कामम जह्यात्, ऐसा किसका आश्रय लेकर इस काम को नाश करना है, ये बता है दो श्लोकों में। इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियाणि परान्याहो, इंद्रियेभ्यः परम मनः, इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्, मनसस्तु परा बुद्धिर्, यो बुद्धे परतस्तु सः, यो बुद्धे परतस्तु सः, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, संस्तभ्यात्मानमात्मना, संस्तभ्यात्मानमात्मना, जहि शत्रुं महाबाहो, जहि शत्रुं महाबाहो, कामरूपं दुरासदम्, कामरूपं दुरासदम्, पापमानं प्रजहि एनं, जहि जहि यानी नाश करो, मार डालो। 41 में भी प्रजहि कहा और 43 में भी वही कहा, और उसको पापमानं विधि वैरी कहा, इत्यादि सब कहा। कामरूप जो है वह विभिन्न रूप धारण करने वाला, दुरासदम, दुरासदम यानी दुखेन आसाद, आसदम यानी आसादनम प्राप्ति, यस्य जो दुख पूर्वक उसको वश में किया जा सके, ऐसा ये अत्यंत कठिन जो है कामरूप है उसको, हे महाबाहो कोई डरो मत, तुम तो युद्ध करने वाले हो, तुम तो सबको मारते हो, तुम मत करो, तुम महाबाहो। ये हम लोगों के लिए भी है कि हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम काम को कैसे जीत करें। तो यहाँ कहते हैं, क्या कहा है, एक लेटर कहिए या एक सीक्वेंस कहिए, कहते हैं क्या है, इंद्रियाणि परानि आहु, इंद्रियों को क्या कहा जाता है, श्रोत्र आदि इंद्रियां, पांच इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया, ज्ञानेन्द्रिया शब्द स्पर्श रूप रस की जगह, तो श्रोत्र चक्षु नेत्र स्पर्श त्वक और जिह्वा, ये पांच जो हमारी ज्ञानेन्द्रिया है जिससे हम विषय को ग्रहण करते हैं, इनको क्या कहा गया है, परानी, इनको परानी यानी सूक्ष्म माना गया, किससे सूक्ष्म माना गया है, देह से, ये हमारी देह है, इससे सूक्ष्म है इंद्रिया। और उसको बताते हैं, जैसे अगर कोई आदमी हमारी आंख को फोड़ने के लिए आया तो क्या करेंगे, हम आंख को बचाएंगे, हाथ को यहां रख लेंगे, देह को चला जाए लेकिन आंख बच जाए। देह जो है वो अत्यंत स्थूल है, इंद्रिया जो है उससे सूक्ष्म है। तो पंडितगण आहु हो, आहु यानी पंडितगण कहते हैं, क्या कहते हैं, बाह्य बाह्य इंद्रिया जो परिच्छिन्न है, यानी बाह्य परिच्छ इंद्रिया जो है वो परिच्छिन्न स्थूल देह की अपेक्षा, यह देह जो हमारी है वो लिमिटेड है, उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है, यानी इंटरनल अंतरतम। वे हमारे मेडिकल साइंस के अनुसार कहते हैं कि ये इंद्रिया जो है वो केवल यहाँ नहीं है, यहाँ अगर आपका यहाँ पे पीछे की तरफ एक सेंटर फॉर आंख के लिए होता है, अगर वो नष्ट हो जावे तो आंख पूरी बढ़िया है, उसको आप देख नहीं सकेंगे, सेंट्रल ब्लाइंडनेस। कॉर्निया तो ये है, कॉर्निया इसको बोल, कॉर्निया सबसे बाहर है, कॉर्निया यानी क्या, ये कांच की चिल्ली, कांच झिल्ली, कांच है ये,
उसके पीछे है रेटिना, रेटिना के पीछे, रेटिना से नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व, वो अंदर जाती है और अंत में ब्रेन का सेंटर है यहाँ पर। तो सच्ची वास्तविक इंद्रिय तो यहाँ है, इसको केवल कहते हैं गोलक, रिसेप्टिकल। अब उसको आपने नाश कर दिया तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, आंख बिल्कुल ठीक है लेकिन ब्लाइंड है। अच्छा, उसी प्रकार कान का अंदर ब्रेन में सेंटर है, सूंघने का सेंटर है, बहुत सारी डिजीजेस बीमारी, वहां पर अगर ट्यूमर हो गया तो यह सब बिल्कुल ठीक है लेकिन सूंघ नहीं सकते, कुछ पता नहीं। तो इंद्रियां जो है वो शरीर से सूक्ष्म है। उसके बाद कहते हैं क्योंकि अंतरतम और व्यापक आदि गुणों से युक्त है, तथा इंद्रियों की अपेक्षा संकल्प विकल्पात्मक मन को श्रेष्ठ कहा गया। इंद्रियां सब देख रही है लेकिन आप अगर दूसरा चिंतन कर रहे हो, मन अगर कहीं दूसरी जगह लगा है तो आप सुनते रहे। हम कहते हैं अरे भाई मेरी बात सुनो, उनका मन कहां चला गया? मन चला गया है, इंद्रियों से इनपुट आ रहा है लेकिन आदमी सुनता है। तो कहते हैं कि इंद्रियभ्य परम मनः, ये संकल्प विकल्पात्मक मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है। और मनसस्तु परा बुद्धि ही, ये निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि नियंत्रित करती है, सबको कंट्रोल करती है, यह बुद्धि जो है मन से भी परे है। और वो प्रसिद्ध कठोपनिषद का श्लोक है जिसमें कहा गया आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिश्च सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इत्यादि। यह शरीर मानो रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी। तो बुद्धि है वो मन को कंट्रोल करती है, इट इज सुपीरियर। ये आपको उपनिषद में भी कहा गया है, यहाँ पर गीता में भी भगवान कहते हैं। उसके बाद में मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धे यो बुद्धे है परा परतः स्तु सह, क्या क्या है कि उसके बाद में तथा यह सर्वदृश्येभ्यो बुद्ध्यांतरेभ्य अंतरतमः अभ्यंतरः, जो बुद्धि के भी अंतर में है, बुद्धि के भी इनसाइड है। और एक यहाँ पर व्याख्या करते हुए उसको कहते हैं बुद्धि पर्यंत समस्त दृश्येभ्य, ये जितने हैं वो दृश्य हैं। कैसे दृश्य हैं? दृश्य दृष्टा है, दृश्य ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये जो वस्तु है वो तो ऑब्जेक्ट है, हम देखते हैं। और किसने देखा इसको? आपने देखा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो तो हुआ दृश्य, आंख होगा दृष्टा। आंख को किसने देखा? मन ने देखा। आज मेरे को आंख से धुंधला दिख रहा है, ठीक नहीं दिख रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, तो ये किसने कहा? मन ने कहा ना, मन देख रहा है आंख को। मन को कौन देख रहा है? बुद्धि देख रही है। तो ये क्या कहा शंकराचार्य कहते हैं ये सब दृश्य है। हम दृष्टा कौन है? हमारा वास्तविक दृष्टा आत्मा है, वो बुद्धि को भी देखता है। तो कहते हैं बुद्धे निश्चयात्मिका बुद्धि, उसके बाद बुद्धि अंतरेभ्य अंतर अभ्यंतर यम देहिनम इंद्रियादि भी आश्रय युक्त काम ज्ञानावरण द्वारे न मोहयति इति तदुक्तम। क्या कहते हैं कि उस आत्मा को यानी बुद्धि के उससे भी कि उस आत्मा को इंद्रिय आदि के आश्रय युक्त काम का काम ज्ञानावरण द्वारा किसको मोहित करता है? उस आत्मा को। बुद्धि का भी जो अंतरतम है परस्तस्तु सह, वह कौन है? बुद्धि, वह है आत्मा। वह बुद्धि का भी दृष्टा है, देखने वाला, शंकराचार्य उसको परमात्मा कहते हैं। एवं बुद्धे है परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि के पर में जो है आत्मा उसको जानकर संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मानम अपने मन को अपने मन के द्वारा क्या करके संस्तभ्य, संस्तभ्य यानी उसको नियमन करके सम्यक रूप से अच्छी तरह उसको दबाकर क्या करेगा?
रकाम रूपम दुरासदम शत्रुम जही, इस शत्रु को नाश। तो प्रक्रिया क्या बताई? दो चीजें करनी है। पहली है बुद्धे परम बुद्ध्वा, उस बुद्धि के जो पर है उसको जानो। बुद्धि तक रहोगे तो बुद्धि के ऊपर तो उसका काम का प्रभाव चल रहा है, उसके परे चले जाओ। इसका मतलब क्या है? पहली बात यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूं। और जैसा मैं कहता हूं, रिट्रीट में भी डिस्कशन हुआ था, मेडिटेशन कराते हैं, मैंने कहा था कि साक्षी भाव के अभ्यास से हमको लगता है कि हम शरीर नहीं, और विचार के द्वारा भी हम पता लग जाता है कि हम शरीर नहीं, इतना हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज हम मन नहीं, और ये बड़ा डिफिकल्ट। हमारे इमोशंस, भावनाएं, विचार, अच्छे बुरे, ये सब मैं नहीं हूं, ये बड़ा कठिन। लेकिन विचार के द्वारा पता चल जाता है। कभी कभी हम अपने मन को देख पाते हैं, हम कहते हैं कि आज मन बड़ा चंचल, मैं ध्यान करने बैठा लेकिन आज मन भागता रहा, आज बड़ा मन शांत रहा। तो क्यों? मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा अपने मन को, और हम अपने मन को देख सकते हैं। कभी कभी यहां तो गाइडेड मेडिटेशन जब लंबा करवाता हूं मैं, तो बीच में एक आध बार मैंने किया भी था कि अपने मन को देखिए, छोड़ दीजिए मन को, जाने दीजिए कहां जा रहा है, मन को थोड़ी देर तक देखिए। तो ये मन के साक्षी हो सकते हैं, और विचार के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि मन हम नहीं। और बुद्धि और भी कठिन। बुद्धि भी, उसके पहले हम विचार के द्वारा कह सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं कि मेरी बुद्धि है, मेरा अहंकार है, तो मैं और बुद्धि अलग होना चाहिए। अब यह जो मन का वह भाग जो मन को और बुद्धि को अपने से अलग समझता है, याद रखिए, वी हैव डिवाइडेड माइंड इनटू टू, वन इज द ऑब्जेक्ट एंड अदर इज सब्जेक्ट। मन का एक अंश है जो दृश्य है, उसको हम देख रहे हैं, और मन का एक अंग बोलता है हाँ मैं अपने मन को देख रहा हूं, वो भाग रहा है, उसमें खराब विचार उठ रहे हैं। हाँ, याद रखिए, यह जो मन का अंग दृष्टा है वह भी मन का अंग है, आत्मा के अत्यंत निकट है, वह आत्मा नहीं है, याद रखिए। क्योंकि आत्मा तो इस नित्य दृष्टा, उसको आप नहीं देख सकते, उसको आप ज्ञात्वा, भगवान कहते हैं कि कैसे जानोगे, उसको जानना है। कैसे जानना है? भगवान यहां पर कहते हैं संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, अपनी आत्मा के द्वारा इसको तुम संस्तभ्य, उसको कंट्रोल करके उसको जानो। शंकराचार्य उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं संस्तभ्य सम्यक स्तंभनम कृत्वा स्वेन एव आत्मना संस्कृतेन मनसा। क्या? शुद्ध मन से आत्मा को अच्छी तरह समाधिस्थ करके। तो इम्पोर्टेंट काम है, आत्मा को आप तभी जान सकोगे जब आपका मन शुद्ध होगा। और श्री रामकृष्ण कहते हैं शुद्ध आत्मा और शुद्ध मन एक। शुद्ध मन का अर्थ क्या? शुद्ध मन यानी मन में कोई विचार न उठे। योग सूत्र में क्या कहा गया है? योगश चित्त वृत्ति निरोध। योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। और पांच प्रकार की वृत्तियां बनाई और इंटू टू क्लिष्ट और अक्लिष्ट बनाई, सब वृत्तियों का निरोध करना। निरोध करने पर क्या कहते हैं आगे? तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीजः समाः। उसका एक निरोध का संस्कार होगा, वो संस्कार का भी जब निरोध हो गया तब क्या होगा? मन में कोई भी वृत्ति नहीं रहेगी, संस्कार नहीं रहेगा, तब मन रहेगा क्या? मन का नाम ही है वृत्तियां। जब मन नहीं है तब क्या होगा? आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। यह हम लोग केवल विचार से समझ सकते हैं, उसको करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है एक्चुअली, एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है।
तो चित्त वृत्ति निरोध के द्वारा शुद्ध मन के द्वारा आत्मा में मन को समाहित करने पर क्या होता है, शंकराचार्य कहते हैं समाहित करके क्या करो, उस आत्मा को जानो। हमारी सारी समस्या है बुद्धि मन अत्यंत चंचल रहते हैं और यह चंचलता हमारे आत्मा पर प्रतिबिंबित होती है। मैंने कई बार यहाँ पर प्रवचन में कहा है इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वन ऑन द अदर। और जैसे दृष्टांत देते हैं एक ट्यूबलाइट है इसके ऊपर आप हरा कागज लगा दीजिए तो क्या होगा, वो हरी हो जाएगी, जो लाइट है वो हरी हो गई और कागज जो होगा वो उसमें लाइट नहीं थी, कागज लाइटेड हो गया। तो कागज का गुण लाइट में चला गया और लाइट का गुण कागज में आ गया। इसको कहते हैं अन्योन्य अध्यास। आत्मा चैतन्य है और मन जो है वो जड़ और चेतन है, चंचल है। तो क्या होता है, ये जड़ता और चंचलता मन की आत्मा पर आ गई। तो हम कहते हैं मैं बड़ा चंचल हूं और मन जो जड़ है उसके ऊपर चेतनता आ गई, मन बड़ा एक्टिव दिखाई देने लगा। इट इज अपीयरिंग लाइक कॉन्शियसनेस। ये बॉडी शरीर भी जो है वो तो डेड है, ये तो फिजिकल है बिल्कुल, लेकिन ये अपने को चैतन्य दिखाई देता। तो परमात्मा का चेतन मन पर आ जाता है और जो मन के चांचल्य है राग द्वेष इत्यादि सब वो परमात्मा पर आ जाते, आत्मा पर आ जाते। और इसलिए हम आत्मा को अच्छी तरह देख नहीं पाते। जब चित्त पूरी तरह शांत हो जाता है तब कहां सुपर इम्पोजिशन होगा, अन्योन्य अध्यास कैसे होगा दोनों। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस बुद्धे के पर जाकर आत्मा को जानकर इसको नाश करो। जब तक हम केवल मन बुद्धि और इंद्रियों के स्तर पर ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तब तक पूरा नहीं होगा। वो रूट जो है अंत तो गत्वा, जब तक आत्मा जो है वो बिल्कुल काम से भिन्न है। इन तीनों बुद्धि मन बुद्धि पर आत्मा का प्रभाव, काम इत्यादि का सब प्रभाव हो सकता है, जब तक इस स्तर पर है तब तक नहीं होगा। लेकिन उसके लिए भी इनको शुद्ध करना परमात्मा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हुई, तीनों लेवल पर काम करना है और उसके साथ ही साथ परमात्मा को अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न भी करना है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त है। ओम शांति 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 हरिः ओम तत्सत् श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।